हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमें रीगर के बारे में बताएं, जो हमें पहला फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना होता है। तो रीगर में सात चीज़ें मैं बताऊँगा आपको शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो कभी भी बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक में हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए एक पे लोड उठाने के लिए। जब हम रिगर है तो कोई भी मटेरियल उठाएंगे, तो उस पे लोड को उठाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ स्टेप लेना है। सबसे पहले प्रिपरेशन वर्क, आप क्या काम करने जा रहे हो, कैसा काम है हमारा, उसको पहले हमें समझना चाहिए। उसमें हम चार चीज़ों पर बात करेंगे। कभी भी लोड के बारे में आप ज़रूर समझें कि लोड कितने वेट का है, क्या मटेरियल है, कितना लंबा है, उसके बारे में समझें। उसके बाद आप सिलेक्ट रिगिंग गियर उसको बोलते हैं, जो भी आप सीलिंग्स लगाने वाले हैं उसको कहते हैं कि उसमें सीलिंग्स आप क्या लगा रहे हो उसको कहते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन सीलिंग्स का होना चाहिए, जितना रिगिंग के अंदर जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं सबका इंस्पेक्शन होना चाहिए। फिर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप उसकी जिम्मेदारियाँ सौंपे। कोई भी चीज़ हम काम करते जब तक हमारे में जिम्मेदारियां नहीं आएगी, जब तक हमारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, जब तक हम लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला नंबर है। दूसरा, जो हेरा फेरी जब हम रिंगिंग में करते हैं तो उसको कभी भी हम लोग अटैच करने से पहले जो भी रिंगिंग गियर हम लोग जो अटैच करते हैं उसको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि हम बास्केट में बांध रहे हैं या चोकर हिंच में बांध रहे हैं या वर्टिकल में बांध रहे हैं। उसका जो हुक से जोड़े, जो भी सीलिंग्स हम जो बांधते हैं उसको हुक से जोड़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया। फिर पेलोड ले जाए, फिर हमें पेलोड को मूविंग करना है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है। उसके बाद कोई भी लोड को हम लोग सुरक्षित कहीं भी शिफ्ट करना चाहिए, ये भी हमारा काम है। पाँचवा स्टेप पर ये है। फिर पेलोड को हुक से अलग करें, अब हमें अलग करना है। तो पेलोड को जब भी हम लोग लेके जाते हैं शिफ्टिंग करते हैं तो अब हमें हुक से अलग करना है। फिर हेरा फेरी करने के दौरान में जब हम लोग हुक से अलग करते हैं तो उसको फिर हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव हमें सेफली तरीके से करना चाहिए। कभी भी हम लोग रिगर का काम कर लेते हैं या रिंगिंग लिफ्टिंग सीलिंग्स जो भी हम लोग वहाँ पर यूज़ किए हैं उसको प्रॉपर जगह स्टोर करना चाहिए, स्टोर के अंदर रखना चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से रखना चाहिए। कहीं भी पानी में भिगना नहीं चाहिए कोई भी मटेरियल। तो हम लोग इस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपने रिगर का मतलब समझ गया, और मतलब बहुत इजी तरीका है, आप भी इस रिगर का काम सीख सकते हैं इस फील्ड में आकर। बहुत इजी है, जैसा सात तरीके मैंने बताया, रिगर का सीलिंग्स रूप में लगाना और सुरक्षित लेकर जाना और सुरक्षित वहाँ पर रखना, फिर हुक से निकालना और उसके बाद उस निकालने के बाद उसको अच्छी जगह स्टोर करना। तो यही हमारा रिगर का काम है, रिगर का यही गोल है हमारा। तो आई होप आप सेफली काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।